नेस्ले लैक्टोजन 3 इंस्टेंट फॉर्मूला पाउडर जो कि आप लोग अपने बच्चे को पिला सकते हैं। अगर आप लोगों का बच्चा जो है 1 साल का हो चुका है तो आप लोग जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जे स्टेज 3 फॉर्मूला पाउडर है नेस्ले लैक्टोजन का। जैसे कि आप लोग जो है कभी भी कहीं पर भी ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो आप लोग जो है घर से मिल्क को स्टोर करके ले जाते हैं, वो मिल्क जो है कुछ समय के बाद जो है खराब हो जाता है, तो आप लोगों को फ्रेश मिल्क जो है वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है बच्चे के लिए फीड के तौर पे। तो आप लोग जो है नेस्ले लैक्टोजन 3 जो कि एक ड्राइड फॉर्मूला है उसको आप लोग जो है अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग जो है इसको ईजिली बना सकते हैं। तो इस नेस्ले लैक्टोजन 3 को आप लोगों को बच्चे को तभी देना है जब आप लोग जो है ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं अपने बच्चे को, तो उन कंडीशन के बीच में आप लोग जो है इसको बच्चे को जो है पिला सकते हैं। जो बच्चे के फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं उसकी लाइफ के, तो जो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो उसको ज़रूरत होती है कि वो एनवायरमेंटल कंडीशन के बीच में अडॉप्ट कर ले। जो एक नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चे जो है वो डिसकम्फर्टनेस जो है महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो वो जो है एक नए एनवायरमेंटल कंडीशंस के बीच में अपने आप को फर्स्ट 2 ईयर में जो है एक तरह से एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो नेस्ले लैक्टोजन 3 जो है एक ड्राइड फॉलोअप फॉर्मूला है जो कि बड़े बच्चों को दिया जाता है जिनकी की एज जो है 12 मंथ हो चुकी है, तो उनको जो है इसको पिला सकते हैं। अगर कोई जो है ब्रेस्ट फीड जो है अपने बच्चे को नहीं करवाता है तो आप लोग जो है जब भी किसी भी प्रोडक्ट को जो है बच्चे को पिलाना चाहते हैं तो एक बार अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गाइडेंस ले लें और उसके बाद ही जो है पिलाएं। जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग जो है केयरफुल वे से और हाइजीनिक प्रेपरेशन करें जो भी बच्चे के लिए मिल्क आप लोग तैयार करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनकी हेल्थ के लिए। अगर आप लोग जो है किसी भी प्रोडक्ट को चेंज करना चाहते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट के तौर पे, दूसरे प्रोडक्ट को जो है चूज़ करना चाहते हैं बच्चे के लिए एज ए मिल्क के तौर पे, तो आप लोग जो है अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गाइडेंस एक बार ले लें और उसके बाद ही जो है चेंज करें। आप लोगों को उसी स्कूप का यूज़ करना है जो इस बॉक्स के बीच में आप लोगों को मिलेगा और जिस तरह से बोला है फीडिंग टेबल को आप लोगों को कंसल्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है आप लोगों को फीड को तैयार करना है। कभी भी आप लोगों को जो है दूसरे स्कूप को यूज़ नहीं करना है। जब आप लोग जो है इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं तो आप लोगों को इसके जो भी कंटेंट होगा पाउडर का उसको ट्रांसफर्ड कर देना है किसी एयर टाइट कंटेनर्स के बीच में, ताकि वहां तक जो है हवा वगैरह ना पहुंच सके। इसको आप लोगों को कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर करके रखना है। जब आप लोग जो है इसके पैकेट को ओपन कर लेते हैं तो कोशिश करनी है कि वो 3 वीक्स तक जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। और दूसरी तरह से आप लोग जो है एक्सपायरी डेट को भी देख सकते हैं, एक्सपायरी डेट के ऊपर का अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो चुका है तो उसको भी आप लोगों को यूज़ नहीं करना है। आप लोगों को एक फीड जो है सिर्फ एक टाइम के लिए प्रिपेयर्ड करनी है, ऐसा नहीं करना है कि एक साथ जो है पूरे दिन के लिए जो है आप लोगों को मिल्क को तैयार कर लिया, तो वैसा भी नहीं करना है। एक टाइम के लिए एक फीड को तैयार करना है, उसको इमीडिएटली पिला देना है बच्चे को तैयार करने के बाद, और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है एग्जैक्टली जैसे बोला गया है किस तरह से इसको तैयार करना है और किस तरह से आप लोगों को इसको पिलाना है। अगर बच्चा जो है पूरा मिल्क जो है नहीं पीता है, बच जाता है, अनफिनिश्ड फीड रह जाती है, तो उसको आप लोगों को डिस्कार्ड कर देना है। उसको स्टोर करके नहीं रखना है कि बाद में पिला दूंगे, तो ऐसा नहीं करना है। उसको आप लोगों को डिस्कार्ड कर देना है और जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो उन कंडीशन में आप लोगों को फिर से जो है तैयार कर लेना है। इनकोरेक्ट डाइल्यूशन के साथ भी आप लोगों को बीवी के मिल्क को तैयार नहीं करना है। जैसे कि अनबॉइल्ड वाटर ले लिया तो आप लोगों को बॉइल्ड वाटर के बीच में ही मिल्क को जो है बनाना है। इनकोरेक्ट स्टोरेज कर ली तो वैसा भी नहीं करना है, सही से स्टोरेज करनी है, हैंडलिंग करनी है, प्रेपरेशन करनी है, फीडिंग टेबल को जो है फॉलो करना है और अपने हेल्थ केयर प्रोफेशन की एडवाइस भी लेनी है। तो आप लोगों को फीड को किस तरह से तैयार करना है फीडिंग टेबल के अकॉर्डिंग, तो 1 स्पून के लिए आप लोग जो है 30 ml वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चा जो है बड़ा है, 12 मंथ का हो चुका है, तो आप लोगों को 1 स्कूप से जो है आप लोगों का काम नहीं चलेगा। तो आप लोगों को पर डे 3 फीड्स जो हैं इस नेस्ले लैक्टोजन 3 स्टेज की जो है बच्चे को प्रोवाइड करवानी है। तो जिसमें आप लोग क्या करोगे, 150 ml जो है वाटर लेंगे मेजरिंग बॉटल के बीच में, जो आप लोग जो है बॉटल यूज़ करते हैं बच्चे को दूध पिलाने के लिए, तो उसमें जो अगर मेजरिंग लेबल है तो उसमें आप लोग जो मेजर कर सकते हैं वाटर को। 150 ml जो है वाटर मेजर करना है और उसके बीच में आप लोगों को 5 स्कूप जो है मिल्क पाउडर के डालने हैं और अच्छे से जो है उसको मिक्सअप करना है। जब मिल्क जो है एक नॉर्मल
टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा तो तभी आप लोगों को अपने बच्चे को जो है उसको पिलाना है। ऐसे नहीं करना है कि गर्म गर्म पानी के बीच में मिल्क को मिक्स करके जो है आप लोग डायरेक्टली बच्चे को पिला दे, तो आप लोगों को उसको चेक भी करना है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर है उस मिल्क का या फिर नहीं है, और उसके बाद ही जो है बच्चे को आप लोगों को उसको पिलाना है। तो आप लोगों को इस मिल्क पाउडर को किस तरह से तैयार करना है, प्रेपरेशन किस तरह से करनी है, सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि आप लोगों को अपने हाथों को अच्छे से वॉशअप कर लेना है, और जो भी यूटेंसिल्स कपड़े वगैरह आप लोग जो हैं चीज़ों का यूज़ करते हैं जो भी इस प्रोसेस को तैयार करने के लिए, तो उन सबको अच्छे से स्टरलाइज कर देना है, चाहे वो बच्चे का स्पून हो या फिर बच्चे का जो भी फीडिंग बाउल हो, बॉटल जो होती है, हर एक चीज़ को जो है अच्छे से स्टरलाइज करना है। सब चीज़ों को आप लोगों को वाटर के बीच में बॉयल कर लेना है ताकि सब चीज़ें जो है अच्छे से स्टरलाइज हो जाएँ। उसके बाद जो है आप लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है 5 मिनट तक उसको गर्म करना है, और उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा नॉर्मल होने देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को एग्जैक्टली जितना फीडिंग टेबल के ऊपर बोला गया है कि आप लोगों को कितना मिल्क पाउडर यूज़ करना है, तो उतना आप लोगों को मेजर कर लेना है वाटर के बीच में, और उसके बाद आप लोगों को जो है उसके बीच में वाटर को भी ऐड कर लेना है। अगर आप लोग जो है बोल के बिना जो है बच्चे को इसको फीड करवाना चाहते हैं स्पून की मदद से, तो उन कंडीशन के बीच में भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। अगर कोई भी जो है बच जाता है मिल्क पीने के बाद, तो उसको आप लोगों को इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देना है, उसको रखना नहीं है। नेस्ले लैक्टोजन 3 इंस्टेंट फॉर्मूला पाउडर जो कि आप लोग जो है 12 मंथ के बाद जो है बच्चे को पिला सकते हैं, जो कि 3-स्टेज फॉर्मूला है, जो कि आप लोगों को 320 रुपये में पड़ेगा 400 ग्राम का पैकेट। जब कभी भी आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को कहीं से भी खरीदते हैं तो आप लोगों को उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करके ही खरीदना चाहिए।